कोरोना काल के कारण इस बार जन्माष्टमी पर्व में थोड़ी रौनक कम दिखाई दे रही है, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में जन्मोत्सव को लेकर एक अलग ही अंदाज है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनी आश्रम महर्षि सांदीपनी की तप स्थली है। यहाँ महर्षि ने घोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर महर्षि सांदीपनी ने वेद पुराण शास्त्रादि की शिक्षा के लिए आश्रम का निर्माण करवाया था। दुनिया भर से सांदीपनी आश्रम में श्रद्धालु आते हैं और श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के रूप में दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर 5236 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विद्यारम्भ संस्कार हुआ था। पुजारी रूपम व्यास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में 4 वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 16 दिनों में 16 कलाएं और 20 दिनों में गीता का ज्ञान, उसके साथ ही गुरु दक्षिणा और गुरु सेवा का काम पूरा कर लिया था। ये जन्माष्टमी का महापर्व महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम में बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज आप भीड़ देख रहे हैं, आज से ही लोग श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं और भगवान कृष्ण की जयकारे लगा रहे हैं। कल यहाँ से प्रातःकाल सुबह 7 बजे यहाँ पर दर्शनों का सिलसिला शुरू होगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत रात को 10 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। कल रात्रि 10 बजे के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर दर्शन प्रवेश बंद कर किया जाएगा और कल रात्रिकाल 11:30 बजे यहाँ पर भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन होगा और कल 12 बजे यहाँ पर रात्रिकाल 12 बजे भगवान की महाआरती संपन्न की जाएगी। क्योंकि हर साल प्रतिवर्ष हम लोग अलग अलग श्रृंगार के दर्शन करवाते हैं, इस बार हम लोग यहाँ पर करीब 10 क्विंटल सब्जी और फलों का यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है, क्योंकि एक उसके पीछे कारण है कि अभी फल और सब्जियों का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है, आम आदमी को वो नसीब नहीं हो रही है। हमारी एक भावना है कि इस भावना के साथ भगवान को इसका भोग लगाया जाए ताकि इस भाव ये सब्जियां और फलों का दाम जो है कम हो और आम श्रद्धालुओं को वो नसीब हो सके, इसलिए हमारी ऐसी भावना है कि यहाँ पर हम लोग श्रृंगार कर रहे हैं। कल प्रातःकाल क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व है और भगवान सांदीपनी ऋषि के आश्रम की जो ख्याति है दूर दूर तक है, ब्रह्मांड में फैली हुई है, तो कल राज्यपाल महोदय कल सुबह 10:30 बजे यहाँ पर पधार रहे हैं, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और गुरु सांदीपनी जी का पूजन अभिषेक किया जाएगा। गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हम लोगों ने सुना है कि यहाँ कृष्ण भगवान और सुदामा जी ने पढ़ाई की थी और उन लोगों ने 64 विद्याएं 16 कलाएं यहाँ पर सीखी थी और यहाँ पर ये जन्माष्टमी का पूरा माहौल बना हुआ है और पूरा ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, जैसे कि सब्जियों का पूरा डेकोरेशन चल रहा है, वो भी हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम भाविका बा है। इस बार सांदीपनी आश्रम में राज्यपाल मांगू भाई पटेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। पूरे देश भर में जन्म उत्सव का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो उज्जैन में भी कई मंदिरों में आकर्षक श्रृंगार किए गए हैं। वहीं उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में जहाँ भगवान कृष्ण बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा हासिल की थी, 64 दिन में 64 विद्या और 16 दिन में 16 कलाएँ हासिल की थी, और यहाँ पर इस बार अलौकिक श्रृंगार सब्जियों से किया गया है। रात्रि 10 बजे तक आम श्रद्धालुओं के प्रवेश बंद किए जाएंगे, रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे राज्यपाल यहाँ पर पहुँचेंगे और उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाएगा और आम श्रद्धालु भी उसी के साथ दर्शन कर सकेंगे। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।